सूरज और चांद उसी सब्सटेंस से बने हैं जिस सब्सटेंस से दुनिया बनी है, ये कहना था एनैक्सिमेंस का। लेकिन इस वक्त के लोगों का ख्याल था कि सूरज और चांद तो देवता हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि एनैक्सिमेंस की बात दुरुस्त है। बल्कि एनैक्सिमेंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुनिया अगर कॉस्मोस है तो इंसान माइक्रोकॉस्मोस है। ग्रीक कहते हैं कि एनैक्सिमेंस शागिर्द था एनैक्सिमेंडर का, अपने टीचर की तरह एनैक्सिमेंस भी बिलीव करता था कि पूरी यूनिवर्स एक ही सब्सटेंस से बनी है, लेकिन ना तो वो थीलिस की तरह पानी से और ना ही एनैक्सिमेंडर की तरह एप्रॉन से, बल्कि वो हवा से बनी है। और शायद इसलिए कि जब कोई जानवर या इंसान मर जाता है तो वो सांस लेना छोड़ देता है। एनैक्सिमेंस पैदा हुआ 585 BC में और उसकी डेथ हुई 525 BC में।